मॉल इज नॉट वेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। बीजेपी हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल भी है और कयास भी, क्योंकि जो पार्टी खुद किसान आंदोलन की नीति और नियत को सियासी बताते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी करते रही है, उसी पार्टी के नेता अब इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं। इस कड़ी में नाम जुड़ा है प्रोफेसर संपत सिंह का, जिन्होंने किसान आंदोलन के समाधान की मांग करते हुए बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता को ठुकरा दिया। किसान आंदोलन को लेकर अभी तक बीजेपी शासित सरकारें और उसके नेता सियासत किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। आंदोलन विपक्ष का खड़ा किया हुआ है, एक राज्य विशेष का है, कुछ ही राजनीतिक संगठनों का है, यहां तक कि आंदोलन को विदेशी ताकतों का संरक्षण प्राप्त है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें सुनने में आती रही हैं। हरियाणा सरकार और उसके नेताओं का भी यही मानना है कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं है, लेकिन लगता है कि बीजेपी के इस मत से अब खुद उसके नेता ही भेद करने लगे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री संपत सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को लिखे अपने पत्र और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वर्तमान राजनीतिक हालात के चलते मैं राज्य कार्यकारिणी की सदस्यता कबूल नहीं कर सकता। पार्टी को प्राथमिक तौर पर किसानों के मुद्दों का हल निकालना चाहिए, जिसका उन्होंने भी लगातार समर्थन किया है। बंद कमरे में पुलिस सुरक्षा में राजनीति असंभव है। अपने पत्र और ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर किसानों के मुद्दे का हल निकालना चाहिए। संपत सिंह इनेलो और कांग्रेस के टिकट पर 6 बार विधायक रह चुके हैं। संपत सिंह इनेलो सरकार के समय प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस के टिकट पर हिसार लोकसभा और नरवा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन बीजेपी के इस नेता ने अब किसान आंदोलन को लेकर खुद पार्टी के फैसले और उसके मत पर ही सवाल या निशान लगा दिया है। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता लेने से इन्होंने इनकार कर दिया और इनका साफ तौर पर कहना था कि पहले किसान आंदोलन का प्राथमिकता के तौर पर आधार पर जो है हल निकाला जाना चाहिए। ट्वीट भी किया उन्होंने और इसके अलावा पत्र भी लिखा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को। और अभी एक हफ्ता पहले ही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जो है वो हुई थी, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संबोधित किया था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि अगर पार्टी ने अपने एक सदस्य को, नेता को कार्यकारिणी की सदस्यता देने की पेशकश की, तो उसे आखिर संपत सिंह ने क्यों ठुकरा दिया। ये जो फैसला है, ये कई सवाल यहां पर अपने आप में खड़े कर देता है कि क्या ये अंतर विरोध जो है अब शुरू हो चुका है, विरोधाभास इसे कहा जाए, या फिर किसान आंदोलन जिसे अभी तक जिसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल या निशान खड़ा करते रहे हैं पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, उसकी विश्वसनीयता पर मोहर लगा दी है खुद बीजेपी के एक नेता ने। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राकेश और इनेलो प्रवक्ता सुखवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जल्द ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश से मैं सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश, कैसे आप देखते हैं पार्टी का एक नेता खुद यहां पर इनकार कर देता है कार्यकारिणी की सदस्यता को लेने से, और हवाला दिया जाता है कि पहले किसान आंदोलन का प्राथमिकता पर हल करे पार्टी। डॉक्टर राकेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी जी जी, हम सुन पा रहे हैं आप आपको। नहीं नहीं डॉक्टर राकेश, अभी भी हम आपकी आवाज सही और साफ तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटेंगे जल्द ही, ये तकनीकी दिक्कत हम चाहेंगे इसे दूर किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश रोड जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं
ये जो संपत सिंह का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को लिखा गया पत्र है, कार्यकारिणी की सदस्यता से इनकार है, क्या मानते हैं, ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड है? देखिए, कोई संपत सिंह जी का भी आज की इस राजनीति में कोई स्वार्थ तो इसमें साफ नजर नहीं आ रहा कि कोई सामने कुछ इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, कोई राज्यसभा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर संपत सिंह जी के इलेक्टिव हम देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से आवाज इको हो रही है आपकी आवाज भी, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी आपकी आवाज भी इको कर रही है जी, कहे तो मुझे लगता है सही हो गई है परेशानी। मैं ये कहना चाह रहा था कि संपत सिंह जी का जो इस्तीफा है बीजेपी की प्रदेश कार्य कमेटी में, इस्तीफा नहीं दिया है, कार्यकारिणी की सदस्यता से ही इनकार कर दिया जी। इस्तीफा तो तब देते ना जब सदस्य बन जाते, अभी सदस्यता के लिए ऑफर ही हुआ था लेकिन इनकार कर दिया। कहने जी वो वही बात है, अगर वो अपनी प्रदेश सरकार के मंत्री होते तो शायद इस्तीफा दे देते, लेकिन वो है ही नहीं, उनको पद दिया उसके उन्होंने इनकार कर दिया, तो इस्तीफे में इसमें मेरे हिसाब से प्रजनता नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को अपने गिरेबाज में झांक कर देखना चाहिए। संपत सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है और वो कई बात के विधानसभा में सोचते हैं, अगर वो रिजाइन करते हैं या कोई पद स्वीकार करने से मना करते हैं, इनकार करते हैं, तो इस बात से बीजेपी को किसानों को जवाब देने के बिना ही जवाब बीजेपी की तरफ से यह है कि आपकी पार्टी में भी भीतरी घास जिसको आप संज्ञा लोगे कल को मीडिया में बीजेपी के नेता, मैं पहले बोलता हूँ आपके चैनल पे, ये भीतरी घास की संज्ञा नहीं दे सकते बीजेपी, ये आपको सोचने पर मजबूर करने वाली घटना है। संपत सिंह जी का इस्तीफा कहीं ना कहीं किसानों के प्रति बीजेपी के गैर जिम्मेदाराना रवैये की एक खुद बीजेपी के द्वारा कबूलनामा आप इसको कह सकते हैं। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि किसान जो है जो धरने पे बैठे हैं कांग्रेस के उत्साह हुए लोग हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या बस्ताड़ा के टोल टैक्स पर, क्या कैमला गांव में, क्या सिंधु बॉर्डर पर जो हरियाणा के किसान अपनी जान गंवा रहे हैं अपने कारोबार को छोड़ के वहां पर बैठे हुए अंदाजा, क्या उनको अगर आप कहते थे वो कांग्रेस के इशारे पर नाच रहे हैं, क्या ये संपत सिंह जो बीजेपी की कार्यकारिणी का सदस्य बनने से मना करते हैं, क्या मनोहर लाल खट्टर जी ये भी कांग्रेस के इशारे पे है? मेरा सीधा सवाल है कायना जी आपके मार्फत कि क्या संपत सिंह जी को भी कांग्रेस ने उकसाया है? ये बात कांग्रेस पार्टी की पूछना चाहती है मनोहर लाल खट्टर जी से, कल को ये आरोप लगा देंगे इसमें ना भीतरी घात का आरोप लगता, क्योंकि संपत सिंह जी किसी लालच के लिए नहीं गए हैं, कोई पद उनके पास नहीं है कि कांग्रेस उनको राज्यसभा में बना रही है, ऐसा कोई पद नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति है। और दूसरी बात, कांग्रेस में बेशक संपत सिंह जी कभी आके विधायक बन गए हों, मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उनकी मेंटेलिटी, उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा रही है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हर राजनीतिक व्यक्ति जानते हैं INLD जो ओम प्रकाश चौटाला का लट दल है, उस INLD ने बीजेपी के साथ सहयोगी दल के मार्फत कई बार सरकारें चलाई हैं। और संपत सिंह जी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री, महत्वपूर्ण कड़ी हुआ करते थे, तो अगर आज संपत सिंह जी का रिजाइन है, ये बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का रिजाइन की तरह से राजनीतिक इलाकों में समझा जाना चाहिए। वो कोई सिर्फ INLD के नहीं है, INLD बीजेपी की डी टीम रही है, और अगर वो संपत सिंह जी का रिजाइन है, ये बीजेपी के पार्टी के बड़े नेता का रिजाइन है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा दावा आपके माध्यम से बीजेपी से हम पूछते हैं इस माध्यम से कि आप बताइए किसानों की समस्याओं को गंभीर तरीके से न लेने वाली बीजेपी आज बताइए कि आपके लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है, भीतरी घात जिसको ये बोलेंगे कल को मीडिया में बीजेपी के लोग आकर, ये IT सेल पर जो फालतू के लोग बैठे हुए इनके पेड़ लोग हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि ये फील्ड में आके देखिए, हरियाणा में किसी चौपाल में प्रोग्राम तो करके देखिएगा आप। चलिए डॉक्टर राकेश के पास में जाऊं, इससे पहले मैं इनेलो प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी से सवाल करना चाहूंगी। बड़ी अच्छी बात बोली है बीजेपी को खुला चैलेंज चुनौती कई बार राकेश टिकैत जी चढ़ौनी साहब हमारे किसान नेताओं ने दिया है, और हमें कोई परहेज नहीं है बात करने में कि हम हिंदुस्तान
के अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। सुखवंत सिंह जी, सुखवंत सिंह जी, जमीन किसानों को दिलाई थी, ये वो कांग्रेस पार्टी है। सुखवंत सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर संपत की ओर से किए गए इस इनकार को, क्योंकि इनेलो के भी वो एक अहम अंग रह चुके हैं। जब इनेलो में थे उस वक्त वो एक महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, वित्त मंत्री का कार्यभार उस वक्त उन्होंने संभाला था। ये इतर है कि वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये उनकी जो एक व्यवहार रहा है, ये अपने व्यवहार के अनुकूल जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, या फिर उनकी इस बात के आप भी कुछ मायने देखते हैं? नमस्कार और सब साथियों को नमस्कार जी। देखो, जब प्रोफेसर संपत्ति जी इनेलो में रहे हैं, चौधरी देवलाल जी के साथ काम किया है, चौधरी ओम प्रकाश शुक्ला के साथ काम किया है, यद्यपि वो बाद में बीजेपी में उनका जाना वो उनकी मानसिकता को भी दिखाता है, लेकिन इस बात को मैं इस तरीके से इनसे पेश करता हूँ कि चौधरी देवलाल और चौधरी देवलाल के परिवार की जो किसान समर्थक जो नीचे आ रही, जो किसान के हिसाब से उनकी सोच रही है, उस सोच का प्रभाव संपत्ति पर अब तक है। उन्होंने जब ये एक तरह से शुरू किया है तो, और मैं उसी सोच के प्रभाव के वशीभूत होकर के ये मानता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल एक गलत पार्टी में जाकर के झूठी मानसिकता दूषित हुई, लेकिन वो पुराना अच्छाई का प्रभाव उसके ऊपर अभी तक बाकी था, जिसकी वजह से उन्होंने ये मना कर दिया कार्यकाल में। तो ये इसको मैं चौधरी देवलाल की किसानों के प्रति जो सोच थी, उनके परिवार की जो किसानों के प्रति सोच थी, उसके सकारात्मक प्रभाव का परिणाम मानता हूँ कि उन्होंने इस समय पर इस बात को ऐसे किया। देखिए, कांग्रेस भी आज के दिन बीजेपी किसी हरियाणा प्रदेश में बहुत बुरे तरीके से किसानों में, गांव ग्रामीण में, और जो पौष्टिक वर्ग की खरीद है उसमें बहुत बुरी तरीके से उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको बात करने वाला है। प्रोफेसर संपत सिंह यद्यपि राजनीतिक रूप से बड़े सजग व्यक्तित्व रहे हैं और इनेलो से कांग्रेस और फिर बीजेपी में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए गए थे, लेकिन क्योंकि अब सबको पता है कि बीजेपी में राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है, इसलिए उन्होंने किसानों की जो इस बात के लिए उन्होंने मना किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो मतलब यही हुआ ना कि अपनी सियासत को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। हो सकता है ये उनका कोई पॉलिटिकल स्टंट हो। देखो, कायनाती राजनीतिक व्यक्ति राजनीति वसीभूत होकर ही कोई कदम उठाता है, इसकी बात है। वो बीजेपी में गए थे तो बीजेपी को सबको पता है, बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, वो जब गए थे तब भी पता था। लेकिन ये चौधरी देवलाल की सोच के सकारात्मक प्रभाव लगाओ और कि उनके ऊपर थोड़ी बहुत ये बची हुई है किसानों के प्रति, जिसके बची हुई तो उन्होंने दिया, हम इस बात का स्वागत भी करते हैं और उनका अभी उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसानों के साथ के लिए बीजेपी को एक बिल्कुल वो दिखाया, उन्होंने दिखाया कि बीजेपी की आज से भी स्थिति क्या है, कि लोग उसके पदों को मना कर रहे हैं, लोग उसमें शामिल होने से मना कर रहे हैं, और लोग आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की नेता या कार्यकर्ता जहां जा भी जाएगा उनका किस प्रकार से विरोध इस दौरान हो रखा है, उस बात का परिणाम। डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर राकेश जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, क्या कहेंगे यहाँ पर? अभी आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना और आपके नेता, बीजेपी के नेता प्रोफेसर संपत के इस इनकार को भी आपने देखा, आप किस तरीके से इसके मायने निकालेंगे? क्या ये कहा जाए अब बीजेपी से मोह भंग होने लगा है, दूसरी पार्टियों की जो विचारधारा थी अब वो वापस हावी होने लगी है, और पार्टी की जो बीजेपी की विचारधारा है अब वो समझ से परे हो गई? प्रोफेसर संपत सिंह जी हरियाणा के अंदर बहुत ही बड़ा राजनीतिक चेहरा है और वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आप ये देखिए कि कार्यकारिणी की जिम्मेदारियां सभी नेताओं को दी जाती है, उनको भी एक बात कही गई कि कार्यकारिणी की सदस्यता आपको दी जा रही है, तो उन्होंने उसमें असमर्थता जताई है, इसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात, असमर्थता जताई लेकिन कारण क्या बताया? कारण पर भी तो गौर कीजिए आप जी। मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में बात कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि देखिए कि जब भी किसानों की कोई बात आ रही है और उसका समाधान होना चाहिए, तो समाधान भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, प्रत्येक नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये चाहते हैं, लेकिन इस आंदोलन में स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। पंजाब सरकार ने तो ये कृषि विधेयकों को लागू नहीं किया था तो भी पंजाब के किसानों को आंदोलन करने की राह देखनी पड़ी, 10 से 11, 11-12 वार्ता हुई है और नेता शक्ति लेकर के खड़े होते हैं कि आइदर यस और नो, ऐसे ऐसे बातचीत कैसे चल सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया था कि कोई भी आपत्तियां, कोई भी दिक्कतें हमारे किसान भाइयों को अगर के अंदर हैं तो उनको दूर किया जाएगा और बहुत सारी
बहुत सारी चीजों को ठीक भी किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 40-32 संगठन थे, किसान संगठन जो ये नेता जो उसमें शामिल हुए हैं, ये लोग जो गए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे किसानों के रिप्रेजेंटेशन है संगठनों के माध्यम से, उन लोगों ने प्रगतिशील किसानों के हक में कोई कानून बनाया। आप फिर डॉक्टर राकेश वही बात कह रहे हैं जो हम कह चुके हैं इस कार्यक्रम के इंट्रो में ही कि हाँ, कुछ बीजेपी नेताओं ने इसे कुछ किसानों का आंदोलन बताया, राजनीति द्वारा विपक्ष द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन बताया, तरह तरह की बातें होती रही है। लेकिन आज सवाल ये है कि अगर आपने जैसे खुद कहा प्रोफेसर संपत सिंह एक वरिष्ठ नेता है और उनका एक अलग मुकाम है राजनीति के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर, अगर वो नेता बीजेपी की कार्यकारिणी की सदस्यता लेने से इनकार कर देता है तो इसे कैसे देखा जाए, नाराजगी माना जाए या फिर अपने विरोध का एक तरीका माना जाए कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से सोच बनी हुई है पार्टी के अंदर, उसके नेताओं के अंदर, सरकार के अंदर, उस सोच का विरोध माना जाए, ये विरोधाभास कहा जाए या ना कहा जाए? वो बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मैं तो ये कहूंगा उनको भी कहूंगा इसको समाधान की ओर ले जाने का काम करें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है वो चीज समझनी पड़ेगी। इन 40 संगठनों के अलावा भी 200 किसान संगठन और हैं जो इन विधेयकों के प्रति अपनी सहमति जताते हैं। टिकैत जैसे लोग जो लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं और आंदोलन को दिवाली तक खींचने की बात करते हैं, कभी यूपी चुनाव तक खींचने की बात करते हैं, कभी ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने। सुरेश जी आऊंगी आपकी तरफ। 2024 तक चुनाव ये आंदोलन चलेगा, बंगाल के चुनाव जाके प्रचार करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ शुरुआत से लेकर अंत तक जो आप कह रहे हैं कि दूसरे अलग अलग राज्यों में जाके कोई समर्थन करता है, कोई विरोध करता है, लेकिन अगर अपने ही प्रदेश के अंदर अपना ही पार्टी का नेता इस तरीके से अपनी बात सामने लेकर आता है, आप उसको क्या कहेंगे? उस प्लेटफॉर्म को भी तो आप देखिए ना, उस मंशा को आप देखिए। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये मान लिया जाए कि आप खुद पार्टी के नेता जो है उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस मत को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं जो किसान आंदोलन को लेकर बना हुआ है। देखिए एक बात को सुन, जब वो किसान जथेबंदियों के नेता जो लोग जो जाकर के बातचीत कर रहे हैं, उस बात को अगर सिरे नहीं चढ़ने देंगे, उस बातचीत पे तो कोई कमियां उनको नहीं मिलती, उसके बाद वो एक तख्ती उठा लेते हैं, ये तख्ती पे यस और नो लिखा है, और जब बातचीत की दोबारा से उनसे बात की जाती है तो भी कहते हैं अगर यस करें। यहाँ किसान संगठन के नेताओं के बात आचरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पार्टी के आपकी ही पार्टी के एक नेता के आचरण की बात हो रही है। जी रोड जी वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनको सब तरह की बातों का इल्म है, और मैं तो कहूंगा कि उनके पास कोई समाधान है? ऐसे आदमी ऐसे व्यक्ति लीड ले पाते हैं तो लीड लेकर के इसको समाधान की तरफ ले जाने का काम करेगा, बजाय इनके ऊपर मतलब इसका कुछ और मतलब निकालने के बजाय उनको चिंता है। सुरेश रोड जी प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक नेता को इस बात की चिंता है कि हमारा किसान किस प्रकार से स्वर्ग बनेगा, किस प्रकार से उसका जीवन अच्छा होगा, किस प्रकार से उसकी आमदनी बढ़ेगी, किस प्रकार से संकल्पित है। अब आप देखिए कि अनेकों अनेक योजनाएं 7 वर्ष के कार्यकाल में पीएम किसान निधि डायरेक्ट खातों में 6,000 रुपए, राज्य सरकार हमारे को मनोहरलाल जी के नेतृत्व में 6,000 रुपए और साथ में देंगे, फसल बीमा योजना देंगे किसान को बचाने के लिए, कर्ज का काम करो, नीम कोटिंग यूरिया जिसने भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया। आप फिर वो तमाम उपलब्धियां गिनवाने लगे हैं और योजनाएं गिनवाने लगे हैं जो बार बार अलग अलग मंचों से हम सुन चुके हैं, लेकिन बात आज कुछ और ही हो रही है ना। आप खुद अपने ही नेता को क्या ये सब कुछ समझाने में असमर्थ हो गए हैं? क्या पार्टी की ये सारी योजनाएं उनकी नजरों से ओझल हो चुकी हैं? तो फिर क्या वजह है, इस इनकार को कैसे देखा जाए? रोज जी जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं फिर सुरेंद्र भाटिया जी से इस पर जानना चाहूंगी कि वो क्या सोचते हैं। जी रोड जी जी कहना जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये विषय से हट के बात कर रहे हैं। जानने की बात यह है कि किसानों के जो मुद्दे हैं, 3 काले कृषि कानून वापस लेना और MSP देना, उस पे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने, मैंने पहले भी कहा है कि INLD से थोड़े समय पहले कांग्रेस में आए फिर वो बीजेपी में चले गए, लेकिन संपत सिंह जी की अगर पूरी जिंदगी की राजनीति का हिसाब किताब लगा कर देखा जाए तो उनकी बीजेपी की विचारधारा की राजनीति रही है, क्योंकि INLD में वो वरिष्ठ पद पर मंत्री रहे हैं और बीजेपी और INLD ने मिलकर सरकारें चलाई हैं हरियाणा में कई बार,
तो सुरपाल सिंह जी का ये इनकार करना बीजेपी की पीसीसी जो इनकी कमेटी होती है एग्जीक्यूटिव उससे मतलब एक तरह से मना करना कहीं ना कहीं INND या कांग्रेस के पुराने नेता नहीं बल्कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा इनकार करने जैसा समझा जाना चाहिए और इनको अपने गिरेबान में जान के देखना चाहिए कि इनके नेता समझ चुके हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं कि किसानों का आंदोलन की मांगे जायज है। संपत सिंह जी की इस बयान से इस घटना से साबित होता है कि किसानों की मांग जायज है और बीजेपी को जल्दी से जल्द इनको मानना चाहिए। सुरेंद्र भाटिया जी अभी आपने यहाँ सभी पक्षों को सुना है, आप क्या निचोड़ निकालते हैं इस पूरी बात का? ऐसा है जी, प्रोफेसर संपत सिंह जी पिछले 43 सालों से हरियाणा की राजनीति में है। उन्होंने जो ये कार्यकारिणी की सदस्यता से इनकार किया है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मानना होगा कि खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों से राजनेता उठकर बीजेपी में आए हैं वो मोस्टली दूसरी पार्टियों से शामिल हुए हैं, वो इस समय बड़ी दिक्कत में है, गांव में वो जा नहीं सकते। सिरसा जिला के दो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के बेटा सुरेंद्र नेहरा छोड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को और एलनाबाद से पवन बहनीवाल ने जो चुनाव लड़ा था, दो चुनाव बीजेपी से लड़े थे, वो छोड़ चुके हैं। संपत सिंह जी मोस्टली राजनीति की है फतेहाबाद और हिसार जिला के ग्रामीण जो हल्के हैं भट्टू से, नलवा से, आदमपुर से और फतेहाबाद से, यहाँ ये चार हलकों से वो राजनीति करते रहे हैं। मोस्टली ये ग्रामीण हल्के हैं और गाँव में किसानों के प्रति जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष है वो अपने इस रोष को केवल दर्शाना चाहते हैं। 3 वर्ष पड़े हैं, अगर उन्होंने राजनीति में इस किसान के मुद्दे पे तो केवल कार्यकारिणी को लेने से इनकार ना करते, उससे भी त्याग पत्र देते, भारतीय जनता पार्टी से भी त्याग पत्र देते, लेकिन वो वाच वेट एंड वाच की स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी चाहे हरियाणा में जो भी कहे इस 26 जून को पंजाब के किसानों पर वाटर कैनन चला है, आंसू कैन चली है, लाठियां चली है, जहां जो भी सरकार आएगी, इस समय पंजाब की सरकार कांग्रेस की सरकार है। शुरू में अमरिंदर सिंह जी ने उनका समर्थन किया लेकिन अब वो भी किसानों के मामले में जो है किसानों के एक किस्म से विरोध में खड़े हैं। वो कह चुके हैं कि किसान आंदोलन के कारण वहां जो निवेश आया था वो निवेश बाहर जा रहा है। तो सभी राजनीतिक दलों का इसका हल ढूंढना होगा, राजनीति से ऊपर उठ के। किसान आंदोलन 7 महीनों से चल रहा है लेकिन संपत सिंह के कार्यकारिणी के त्याग पत्र से, कार्यकारिणी को छोड़ने से, ना लेने से इसका हल होगा। मोदी जी और अमित शाह इनकी बात मानेंगे वो लगता नहीं है, लेकिन मनोहर लाल जी को, ओम प्रकाश धनखड़ को, जो बड़े नेता है हरियाणा के, उनको वस्तु स्थिति से ज्ञान उनको पहुंचाना चाहिए ताकि किसानों का कोई ना कोई हल हो राजनीति से ऊपर उठकर। हालांकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो भी वो किसान बिलों को लेके आती। अभी तक किसान आंदोलन को लेकर जो सवाल एक स्वीकार्यता का बना हुआ था, क्या आप मानते हैं कि इस इनकार ने उस सवाल का जवाब दे दिया है, इस आंदोलन को स्वीकार्यता दे दी है? निश्चित रूप से क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का बहुत ज्यादा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर कोई भी गांव में नहीं जा सकता। संपत सिंह की ये भी मजबूरी रही होगी। क्या कहेंगे आप इस पर डॉक्टर राकेश? कि पार्टी अभी तक नहीं समझ पा रही है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार है, जब ये कृषि कानूनों की जो बात हुई और जो जब से हरित क्रांति की बात हुई थी तब से सभी किसान के लिए काम कर किया जा रहा था और हमारे किसान भाइयों ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के मेहनत करके उत्पादन को बढ़ाया और अपने देश के अंदर दोनों गेहूं और धान की जो पैदावार को इतने स्तर तक बढ़ाया कि आज उसकी पैदावार 2,45,000 करोड़ टन हो रही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये सारा का सारा
सारा का सारा अगर एमएसपी पे ये चीज खरीद हो तो इसके लिए तो 15 से 16 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता, जो भारत की टोटल जीडीपी के भी मतलब उसका आधा हिस्सा है, तो बाकी चीजों में भी सुधार करना है। लेकिन एक बात और भी है, प्रगतिशील किसानों को इनसे फसल के अंदर जो विविधता लानी चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे कैंप लगाए हैं, 30 लाख से भी ज्यादा उनसे मीटिंग्स की हैं, और उसके साथ उन लोगों का उसमें समर्थन मिला है, वो भी किसान है, उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप 370 के ऊपर बात करें। डॉक्टर राकेश आप फिर से तीन कृषि कानूनों के फायदे गिनवा रहे हैं यहाँ पर, क्या उससे कितना किसानों को फायदा होगा? तो क्या आपके नेता भी प्रोफेसर संपत भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए प्रोफेसर साहब को मैं अपनी तरफ से एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वित्त मंत्री रहे, वो इन सब बातों को समझते हैं, इसका समाधान होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस सबको मिलजुल के इस चीज का समाधान निकालना चाहिए। कि आपको बुलाएं और आप वहां ना जाए और उसमें ये कहे कि नहीं जो बात हम कह रहे हैं, ये जो जो 100 करोड़ ये किसान नेता जो आज के दिन आगे आ रहे हैं, इनका आपस में भी तालमेल नहीं है और ये लोग बात को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। राकेश जी, तालमेल तो कहाँ कहाँ, ऊपर नीचे हो रहा है, गड़बड़ा रहा है, ये आप भी देखिए। ये नेतृत्व अगर ठीक ढंग से बात करता तो ये कहीं ना कहीं किसानों के हित में है और किसानों के हर तरह से जो सेवा करना और उनके हित की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। सुरेंद्र भाटिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, डॉक्टर राकेश जी जो बातें कह रहे हैं, गाना जी मेरे को भी समय दें। जी बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी आपके तरह सुखवंत जी। भारतीय जनता पार्टी की लाइन हो सकती है, लेकिन मैं आज की बात बता दूं, गेहूं का सीजन अभी गए को 15 दिन ही हुए, 1975 रुपए में गेहूं खरीदी गई थी, आज 1700-1600 रुपए में मार्केट में गेहूं बिक रही है, उसका क्या कारण है? केवल ये कह रहे जो खरीद का राकेश जी एक मिनट सुन लो, मैं राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कहता हूँ, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी को कानून चाहते थे, लेकिन आज वो नहीं चाहते। सभी राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति छोड़ के इसका हल ढूंढना चाहिए, देश को आगे ले जाने वाली बात है। आप जो बात कह रहे हैं, अगर एमएसपी पे सारी फसलें खरीदी जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश का बजट लगेगा, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं और कैसे संभव है ये बीच बात को हम इतना सरल तरीके से कैसे कह सकते हैं, ये बात कैसे संभव है? आप इस चीज को देखिए, किसानों की आमदनी बढ़े, उसकी आमदनी दोगुनी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एमएसपी में वृद्धि करती जा रही है और किसानों के लिए फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, नीम कोटिंग, गोदाम और 1 लाख करोड़ रुपए तक सुखवंत जी अभी आती हूँ आपके पास भी आती हूँ आपके पास जी 1 सेकंड 10 सेकंड। मैं केवल ये कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक दल विपक्ष और पक्ष, जब विपक्ष में होते हैं और भाषा बोलते हैं, पक्ष में और बोलते हैं, उसको सुधारे तो देश सुधरेगा, किसान आंदोलन भी ठीक हो। जी सुखवंत सिंह जी, देखिए कायनात जी, जो ये यहाँ पे डॉक्टर राकेश ने आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और ना ये देने की स्थिति में है, यहाँ पे बैठ के बताते हैं कि तीनों कानून जो है सही है जनता के लिए, तो प्रोफेसर संपत सिंह को समझाएं या दूसरे लोगों को समझाएंगे, इनके अपने नेता समझ नहीं रहे और ये लोगों से उम्मीद करते हैं। कायनात जी, तीनों के तीनों कानून जो काले हैं और इस देश में किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए बनाए गए, तभी तो कोविड के बीच में लाए गए और जमीनें छीनने के लिए। जहां तक अभी सुरेंद्र भाटिया जी ने और डॉक्टर राकेश ने कहा कि एमएसपी के ऊपर एमएसपी नहीं दी जा सकती, तो डॉक्टर राकेश जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के माननीय मोदी जी, उन्होंने क्यों फिर एमएसपी के लिए कहा था कि एमएसपी दी जाए? ये दोगलापन नहीं है क्या किसी व्यक्ति का कि मुख्यमंत्री जैसे आप कुछ करते हो? प्रधानमंत्री बनते हो और फिर कांग्रेस शुरू से ही इनका समर्थन करते रही है। आज से पहले किसी भी किसान प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की थी। यहाँ तक के जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं लोग, वो भी इसकी तारीफ करते हैं। डॉक्टर राकेश आपको दूंगी बोलने का मौका। दूसरी बात यह है कायनात जी, ये बीजेपी नाम की जो बीमारी इस देश को लगी है 2014 में, जो सबसे बड़ा इंफेक्शन इस देश में है, जो किसान के लिए गांव ग्रामीण के लोगों की कॉरपोरेट के लोग हैं, ये अपने कॉरपोरेट घरानों के लिए अदानी ने पहले बना लिया अपने गोदाम, कानून बाद में आए हैं, ये लोग कॉरपोरेट को बचाने के लिए किसान की बलि देना चाहते हैं। अभी कहते हैं कि हरित क्रांति,
ठीक है, किसान ने अपनी मेहनत के दम पर चलते इस देश को जो एक समय पर अनाज में आत्मनिर्भर नहीं था उसको आत्मनिर्भर कर दिया, लेकिन ये लोग अब जमीन छीन छीन के कॉर्पोरेट के देना चाहते हैं, जवाब इनके पास कोई है नहीं। अब इनके इतने इतने दिन से 7 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं को सील करके बैठा है, और ये इस देश के विश्व के इतिहास में पहली घटना है कि किसी देश की राजधानी को वहां के किसानों ने अपने हकों के लिए घेर लिया हो। और उस वक्त जबकि कोविड के बीच में ऑर्डिनेंसेस के रूप में इनको लाया गया हो किसान को मारने के लिए, कायना जी बिल्कुल भी ये लोग बिल्कुल कॉर्पोरेट के लोग हैं। और जहां तक अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के कि वो सामने किसानों के लिए कर दिया, कायना जी कृषि जो है वो यूनियन लिस्ट में है, उसका मतलब ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो कानून बढ़ाएगी वो सबसे ऊपर रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस की सरकार इतने दिन तक रही केंद्र में, तो क्या बीजेपी ने अकेले ही मार दिया, क्या हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में? यानी कि किसान को मारने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने साजिशें की है, दोनों ने हत्याएं की है किसानों की, और आज ये अपने सुर के टिक खेलना चाहते हैं। आप ये देखिए कि किसी भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने किसानों का कोई साथ नहीं दिया, इन्होंने ये खुद इस प्रकार के बिल लेकर जाना चाहते थे। बुद्धा कमेटी क्या कहती थी, कायना जी असल चीज ये है दोनों ही कॉर्पोरेट को पोषित करने वाली पार्टियां हैं। प्रोफेसर संपत सिंह के अंदर वो बुद्धि अच्छा जो कंटेंट था, अच्छी जो सकारात्मक सोच को देवलाल की दी हुई थी, सुपन जी आपने फिर से कई बार ये बात दोहराई कि चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा थी वो उन पर अभी तक जो है अपनी असर बनाए हुए है, छाप छोड़ी हुई है, और आपने फिर से इस बात को दोहराया कि जो उनकी विचारधारा थी उसी से प्रेरित होकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। अगर यही बात थी तो फिर आखिर इनेलो को छोड़ने की भी क्या वजह रही? आपने कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, बीजेपी पर भी तमाम तरह के सवाल उठा दिए, लेकिन इनेलो को आखिर आपके ही नेता ने क्यों छोड़ दिया, कांग्रेस की तरफ वो क्यों रुक कर गए? जी देखो कायना जी, राजनीति में एक अलग विषय है, और किसी भी व्यक्ति को उसने उस दल को क्यों छोड़ा, उस बात को क्यों छोड़ा, यहाँ पे बात वैचारिक है। उन्होंने वो तो प्रोफेसर संपत सिंह बताया कि उन्होंने इन लोगों को क्यों छोड़ा, लेकिन मैं बात करता हूँ वैचारिक सोच की, सोच जो इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत छोड़ी जनता के साथ की, तो उनके वैचारिक सोच का प्रभाव निश्चित रूप से इनके इनके भारत पर पड़ा, इनके दिमाग पर पड़ा। और वो क्योंकि चौधरी जनलाल इस देश के इतिहास में वो नेता है जिन्होंने किसानों के लिए बड़े बड़े काम किए, जो इस देश में किसान मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और उनके अच्छी सोच के प्रभाव के नसीब को करके हालांकि बहुत गलत दल में चले गए, जो किसानों को मारने वाला दल है, लेकिन वहां जाकर भी अच्छी बात यह कि चौधरी देवलाल की सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं इनके दिमाग के कोने में थोड़ी सी बसी हुई थी, जिसमें मल्टीप्लाई होकर के जिस दल को आज आप कह रहे हैं कि खराब दल है और बेकार दल है, उसी दल का कभी आप भी हिस्सा रहे हैं? कायना जी हम जब एक दल को दूसरे दल के साथ जाना पड़ सकता है, लेकिन जब हमारे हम सिंह के साथ थे, हमने इनके किसी को भी किसानों के विरोध ग्रामीण के विरोध में एक भी कदम हमने नहीं उठाने दिया और ना हमने उठाया है। कायना जी राजनीति ये नहीं होता कि कौन किसके साथ गया, राजनीति ये होता है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने किस सोच के साथ लोगों का भला किया। हमने बीजेपी को कभी भी किसान विरोधी किसी भी कदम को उठाने नहीं दिया, हमने गांव ग्रामीण शोषित वंचित गरीब कॉर्पोरेट के पक्ष में इनको चलने नहीं दिया, क्योंकि वो के साथ जाना पड़ सकता है, एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ सकता है, लेकिन जिस सोच के साथ सफर करती है उस सोच का सकारात्मक होना आवश्यक है। हमारे साथ जब कभी ये रहे हमने बिल्कुल भी किसान विरोधी किसी भी कदम को इन्होंने एक पद भी नहीं चलने दिया। क्या कहेंगे आप सुरेश रोड जी, कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर सुखवंत जी ने उठा दिए, बीजेपी से सवाल तो किया है लेकिन कांग्रेस को भी उन्होंने सवालों की बौछार कर दी, कांग्रेस पर भी सुरेश जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक प्रकार से, राकेश डॉक्टर राकेश जी देखिए कांग्रेस के सवालों की लाजमी आती हूँ सुरेश जी आपके पास। जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई और उसके बाद कांग्रेस की लगातार सरकार बनी 2014 तक, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को ये दबा करके बैठ उस टाइम पे कुछ काम नहीं किया, जैसे ही दूसरे दल की सरकार बनती है इनको सारी चिंताएं शुरू हो जाती है। दूसरी बात कि उस टाइम पे सारे के सारे दल किसानों के लिए डॉक्टर राकेश ये बात समझ से मेरी परे हो जाती है, जब मुद्दा किसानों का आ जाता है तो राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे को ही
कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देती हैं। एक दूसरे के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप करके ही एक दूसरे से समझाइश करेंगे, लेकिन किसान जो अपनी बात को लेके बैठे हैं, उनका मसला यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, अपनी समस्या से है, उन्हें कैसे समझाएंगे? क्या उनको अभी तक आप ये नहीं बताते आए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पिछली पार्टियों ने आपके साथ क्या किया, पिछली पार्टियों ने जो किया उसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया, सत्ता आपको मिली तो आपको किस लिए मिली थी? जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है वर्ष पत्रकार जी। जी बोलिए सुरेश रोड जी। जी कह रहे थे कि जी हमने समर्थन कभी देना पड़ता कभी लेना पड़ता, संपर्क जैसे मैंने कबूल किया कि आईआरएलडी में बीजेपी की सरकार बनाई, बीजेपी का आईआरएलडी की बनाई, लेकिन इसका साफ होता कि हमने जनता के लिए किसानों के लिए नहीं बनाई, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र भाटिया जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। भाटिया जी, अभी आपने सुना, इस बात पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरा कनाज जी, मेरा एक ही कहना है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो राष्ट्रीय दल है, उन दोनों की सोच किसान बिल के लगभग नजदीक है। आज चाहे कांग्रेस जितना मर्जी इसका विरोध कर रही है, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, उसने भी वही सिफारिशें की थी जो इस किसान बिल में भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। इन दोनों दलों को किसानों के साथ बैठकर इसका हल ढूंढना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ना है, विकास में जाना है, तो कुछ ना कुछ करना होगा। और किसानों को भी जब सरकार 12 दौर की बातचीत में ये कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं और 1.5 वर्ष तक उसको अभी पोस्टपोन करने को तैयार है, तो उनको भी सोचना होगा। जब तक बातचीत नहीं करेंगे, और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है क्योंकि वो सत्ता में है, उन्हें आगे बढ़कर कांग्रेस को और किसान को साथ लेकर इससे बातचीत का हल ढूंढना होगा। संपत सिंह जी का जो ये कार्यकारिणी का पद ना लेना एक इशारा अवश्य करता है, अभी भारतीय जनता पार्टी में रोष पनप रहा है, जनता में और किसानों में रोष पनप रहा है, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसका हल ढूंढना ही चाहिए। बिल्कुल, इस और ध्यान लाने की जरूरत जो है वो जरूर पेश आई है। और अपने इनकार के जरिए जो प्रोफेसर संपत हैं, उन्होंने पार्टी को ये बताने की भी कोशिश की है कि अगर अभी इस और ध्यान नहीं दिया गया तो आगे स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकती है। आप सभी बने रहिए, आगे भी हमारी चर्चा इस पर जारी रहेगी। तो हरियाणा बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है कि नहीं है, इस पर हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्य हमम सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो,
चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप एचआईवी और एड्स से ग्रसित क्यों ना हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा, अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70875 70875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुच्चे भारत विच पंजाब बनिया सिख्या दे खेतर विच नंबर वन। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नू सिख्या प्रदान करन लई पंजाब यह सर्व उत्तम सूबा। नाली ए वी घोषणा कीती कि सिख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांड विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुच्चे सूबियां नूं पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम वध रिहा उह तुसीं बणाया, तुसीं सारे टीचरां नूं, मैं तुहाडे सारिआं नूं दिलों बहुत धन्नवादी हां तुहाडा। प्रिंसीपल, हैडमास्टर ते टीचरां दी उपलब्धता, विद्यार्थियां अते टीचरां दी हाजरी, स्कूल विच दुपहर दा भोजन, पारदर्शिता नाल टीचरां दी भर्ती नाल पंजाब दा सूबा बणिआ देश दा मोहरी। बच्चियां दा स्कूल विच दाखला, पढ़ाई छड़ चुके बच्चियां नूं दोबारा स्कूल विच पढ़ाउणा, बच्चियां नूं पढ़ाई छड्डण तों रोकणा, इन्हां मापदंडां विच वी पंजाब ने हासिल कीता पहला स्थान। असीं हुण पहुंच गए हैं पहले नंबर ते, हुण आपां पहले नंबर तों उतरना नहीं, उत्थे ही रहना है और उत्थे ही तगड़े रहना है। पंजाब सरकार रखे तुहाडे बच्चियां दा ख्याल। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और बात हो रही है हरियाणा बीजेपी में चल रहे इस वक्त सियासी उथल-पुथल की, घमासान की, जिस किसान आंदोलन को अभी तक बीजेपी के नेता किसानों का आंदोलन मानने से इनकार कर रहे थे और इसे विपक्ष के द्वारा खड़ा किया गया एक एजेंडा, एक आंदोलन बता रहे थे। अब उसी आंदोलन को लेकर हरियाणा बीजेपी के अंतर विरोध के स्वर जो है, विरोधाभास के स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी एक वानगी देखने को मिली पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से, जो है प्रोफेसर संपत सिंह, जिन्होंने पार्टी के कार्यकारिणी की सदस्यता लेने से ही इनकार कर दिया और इसकी वजह बताई प्रदेश में चल रहे मौजूदा राजनीतिक हालात और किसान आंदोलन, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर किसान आंदोलन का हल निकालना चाहिए जिसका वो समर्थन करते आए हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं कि क्या ये जो इनकार है, ये जो ऐतराज है, ये परहेज जो है, क्या इस तौर पर देखा जाए कि अब बीजेपी के अंदर
टूट शुरू हो चुकी है, बीजेपी बिखरना शुरू हो गई है उसकी विचारधारा से। अब खुद उसके अपने ही नेता जो हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है ये दिखाने के लिए कि एक तरफ बैलेंसिंग करने के लिए, किसानों को ये जताने के लिए कि हम आपके साथ भी हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई विरोध कर रहा है तो पार्टी अगर इसका समर्थन नहीं करती है तो किसान अपना विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसानों की एक तरीके से सिंपैथी को गेन करने के लिए भी क्या उठाया गया ये कदम है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता सुखवंत सिंह जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, आपने जैसे कहा कि एक प्रांत के, एक प्रदेश के राजनीति के तौर पर एक लंबा राजनीतिक करियर जो है वो इनका रहा है प्रोफेसर संपत सिंह का, लेकिन इस अपने राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने दल बदल की राजनीति जो है वो भी की है, तो क्या ये इस तौर पर भी देखा जाए कि अब उन्हें अपनी राजनीति जो है उसका अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगा है, वो भांप रहे हैं हालात को कि किसान आंदोलन जो है वो किस तरीके से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भविष्य को खत्म कर सकता है, इसीलिए वो अपने आप को अलग भी रखना चाहते हैं इस आंदोलन के विरोध से और किसानों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना भी चाहते हैं, पार्टी छोड़ भी नहीं रहे हैं लेकिन एक तरीके से किसानों का भी समर्थन कर रहे हैं। मैंने आरापे भी यही बात कही थी, क्योंकि यदि वो वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं, 3-3.5 वर्ष का समय है इलेक्शन का, संपत सिंह जी बड़े लंबा राजनीतिक कैरियर है और उन्होंने अगर कोई कदम उठाना होगा पार्टी छोड़ने जैसा तो वो चुनाव से पहले करेंगे। मैं आपको 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात बता दूं, अनेक सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते थे, लेकिन जो जिस ढंग से घटनाएं पाकिस्तान के बाद घटी और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल देश में बना और उन लोगों ने वो राजनीति वहीं भारतीय जनता पार्टी में अपनी करनी आरंभ की, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं में, अनेक सांसदों में रोष है और अनेक विधायकों में रोष है, चाहे वो बोले या ना बोले संपत सिंह की तरह। संपत सिंह जी इस समय 3 साल का वनवास नहीं काटना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस में भी अंतर विरोध है, कांग्रेस में अंतर विरोध है, गोविंदर सिंह हुड्डा हमारी शैलजा के बीच में जो है 36 का आंकड़ा है, इसी प्रकार इनेलो और जेजेपी किसको वो चुने, इसलिए शायद वो 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे ना रहे लेकिन किसी नए दल में शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हरियाणा की जो राजनीति है वो क्लियर नहीं है। कांग्रेस जिस ढंग से अपने अंतर्द्वंद में है, कांग्रेस के अशोक तंवर 5.5 साल तक प्रधान रहे, अपने पदाधिकारी नहीं बना सके, अब कुमारी शैलजा जी के सामने भी यही दिक्कत आ रही है, वो भी जिला अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं वो नहीं बना पाए, जबकि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने चाहे अपनी कार्यकारिणी बनाई, संपत सिंह जैसे कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने विरोध किया होगा। सुरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अभी नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन हो सकता है जब चुनाव करीब आ जाए तब वो पार्टी को छोड़ दें और उस दल की तरफ चले जाएं जो इस वक्त उन्हें ज्यादा ताकतवर भूमिका में दिखाई दे रहा हो, लेकिन क्या संपत, प्रोफेसर संपत की तरह ही आप मानते हैं कि बीजेपी में और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त जो है पार्टी के साथ रहना उनकी मजबूरी बना हुआ है लेकिन वक्त आने पर वो पार्टी का दामन छोड़ने में भी गुरेज नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में इस समय जितने विधायक हैं और जो कार्यकारिणी में दिए गए हैं उनमें से 40-50% लोग बाहर से आए हुए हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं, इनेलो से आए हुए हैं, तो वो अपना राजनीतिक दल केवल सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, किसी विचारधारा के लिए नहीं आए हुए हैं। जिनमें से मैंने 2 नाम पहले आपको लिए, पवन बेनीवाल 2 चुनाव लड़े और उन्होंने, वो लोकदल से आए थे भारतीय जनता पार्टी, सुरेंद्र मेहरा कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस में वापिस चले गए, और पवन बेनीवाल भी वेट एंड वॉच में है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, अगर उनको टिकट बाई इलेक्शन इलाहाबाद में ऑफर भारतीय जनता पार्टी करेगी, कांग्रेस करेगी, तो शायद वो कांग्रेस में शामिल होंगे। राजनेता जो भी राजनीति में है वो सत्ता के लिए है, ना कि सेवा के लिए, मेरा ये मानना है। तो आप मानते हैं कि ये जो कुनबा बढ़ा था बीजेपी का सत्ता के लिए ये घट भी सकता है और पार्टी की ताकत जो है वो कम भी हो सकती है और चुनाव के दौरान उसे बड़ी समस्या उठा देखनी पड़ सकती है? एक चीज मैं लास्ट कह दूं, हरियाणा का चुनाव जब भी आएगा, लोकसभा के चुनाव के 6 महीने बाद आएगा, अगर लोकसभा में 3री बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है तो और सिनेरियो होगा हरियाणा का,
तो इसलिए हरियाणा के जो भी राजनेता हैं वो लोकसभा चुनाव जो भी 24 का होगा उसको अवश्य देखते उसके बाद ही कोई वो सिनेरियो तो होगा, लेकिन अभी इस वक्त जो है कोई भी नेता किसानों की नाराजगी को मोल लेना नहीं चाहता है। वो घर बैठेंगे कुछ दिन तक घर बैठेंगे ऐसे नेता। संपत सिंह जी ने क्या किया है, कार्यकारिणी से केवल उन्होंने कार्यकारिणी की सदस्यता नहीं ली, और कार्यकारिणी की सदस्यता संपत सिंह जैसे नेता के लिए बहुत बड़ा पद नहीं है। जी सुखवंत सिंह जी, उम्मीद बरकरार है क्या अभी? आप भी मानते हैं कि जो नेता दूसरे दलों से बीजेपी की ओर रुक कर गए थे अब वो जो है वापस भी आ सकते हैं? क्या आपको लगता है ये जो विरोध के स्वर हैं ये कहीं ना कहीं दूसरे दलों को जो अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक साख उनकी कमजोर हो गई थी वो मजबूत करेंगे? देखो कायनाथ जी, कमजोर बीजेपी ने लोगों को बरगला करके और अपने सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण करते हैं उसके आधार पे इन्होंने कुछ समय सत्ता प्राप्त कर ली। अब आज हालात हरियाणा प्रदेश के क्या है कि ये लोग इनका एक युवक का झंडा लगा के गांव में घुस करके दिखा दे, किसी शहर में जाकर के दिखा दे। हालत ये है कि लोग ढूंढ के ढूंढते फिर रहे हैं बीजेपी का कौन बीजेपी का वर्ग कौन, और आगे आगे ये क्योंकि सब लोगों ने इस दौरान में देख लिया केंद्र की और प्रदेश की सरकार को देख लिया ये लोग आम आदमी के लोग। अभी तीनों का कानूनों में जो जो कालाबाजारी को जो देता है सेक्शन कमेटी एक्ट में जो बदलाव किया वो असल में तो आम आदमी के विरुद्ध है। वो कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट को एक्ट दिया गया है, फायदा दिया गया है। अब आगे किसान उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक्चुअल में तो वो आम आदमी के लिए है कि वो कानून लागू होने के बाद देश की स्थिति किस प्रकार की हो जाएगी कि जो एसेंशियल कमोडिटी है उसको आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। तो छोटा दुकानदार ले लो उसको वो बर्बाद हो चुका है, ये तो बड़े सरमाएदारों लोगों की बात है। आर्थिक रूप से इन्होंने बर्बाद करके पूरे देश को रख दिया, पूरे प्रदेश को रख दिया, और वो सब चीजें कायनात भी प्रदेश में समझी गई है और देश में भी समझी गई है। हरियाणा प्रदेश की स्थिति यह है कि मैं सुरेंद्र भाटिया जी से बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोकसभा के चुनाव में ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सुरेंद्र भाटिया जी हरियाणा प्रदेश में ना तो लोकसभा चुनाव में कुछ होगा ना विधानसभा में होगा। बीजेपी के लोगों को जनता ढूंढती फिरेगी और इन लोगों को जूतों की माला पहनाएगी और ये लोग कहीं भी जा भी नहीं सकेंगे। और जो आज के हालात हैं जी बीजेपी भी शामिल है, सुरेश रोड जी भी शामिल है जिसकी वजह से सरकार बनी। सुरेश रोड जी क्या आप भी मान रहे हैं? जी जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए सुखवंत जी। आती हूँ सुरेश जी, आती हूँ आपकी तरफ। जी सुखवंत जी, सरकार का सृजन किया उसका निर्माण करके और किसानों को मरवाने का काम किया, बीजेपी के लोगों को भी कुछ लोग घूमते फिरेंगे क्योंकि उन लोगों ने चुनाव से पहले कहा था किसी को साथ बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इस सरकार के निर्माण में उनकी वैसी भूमिका है। तो आप मानते हैं कि इनेलो को तो संजीवनी मिल जाएगी अगर जेजेपी का भी विरोध दर्ज इसी तरीके से दर्ज कराएंगे लोग तो इनेलो जो टूट गई थी वो फिर से उठ खड़ी होगी? नहीं ये तो आज के दिन आप हरियाणा प्रदेश की धरो दीवार पर बात नहीं की जा सकती है कि इनेलो इस प्रदेश का भविष्य है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के किसान को मारा है, मजदूर को मारा है, किसान को मारा है तो मजदूर को मारा है, गरीब को मारा है, उससे ये बात तय हो चुकी है कि हरियाणा प्रदेश का अगला भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश का भविष्य है, ये बात तो तय हो चुकी है। सुरेश रोड जी, चुनाव से पहले जो भगदड़ होती है क्या आप मानते हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, और भाटिया जी से मेरा विरोधाभास है, इन्होंने कहा कि हरियाणा का चुनाव 6 महीने बाद लोकसभा में आएगा, ठीक है कागजों में आएगा लेकिन आपसे ज्यादा है। हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ वोटर इस देश की हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा और दशा पहले भी देते हैं और आगे भी देंगे। हरियाणा का चुनाव लोकसभा से पहले आएगा ये लिख लो आज आप। दुष्यंत चौटाला और उसके विधायकों को आपने देखा दादा रामकुमार गौतम ने क्या बोला है, दूसरे विधायक बबली जो टवाणा से उन्होंने क्या बोला है, आप कैसे विश्लेषण कर सकते हैं कि हरियाणा की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? जिस बैसाखियों पे सरकार खड़ी है और वो डगमगाती नजर आ रही है पहले साल में दूसरे साल में तीसरे साल के बीच में ही, तो आप ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हरियाणा का चुनाव लोकसभा के बाद होगा।
ये कहना जी रिकॉर्ड कर लो। और इस तरह के इनकारों से आप मानते हैं कि और उम्मीद जो है वो बंद गई है। सूर्य डॉक्टर राकेश, मैं जल्दी से चाहूंगी आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि ये जो इनकार है क्या आप मानते हैं इसका दूरगामी परिणाम भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, और ये डैमेज कैसे कंट्रोल करेगी? मेरे पास वक्त बहुत कम है सुरेश रोड जी। डॉक्टर राकेश जी, सेना जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि राजनेता सिर्फ सत्ता के लिए हैं। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बता देता हूं, सेवा का संकल्प लिए हुए चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जैसे नेतृत्व में सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंडियों में अपनी चिंता न करते हुए आप फिर दूसरी तरफ बात को ले जाने लगे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अभी जो ये इनकार सामने आया है आप किसानों को नहीं समझा पा रहे, आप अपने ही लोगों को समझाने में नाकाम साबित हुए हैं, ये इनकार पार्टी के लिए क्या भारी पड़ेगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे डॉक्टर राकेश जी। आप देखिए 55 सेवा रसोईयां चलाई, उसके बाद 432। डॉक्टर राकेश, आप मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं एहसास जो है वो आपको भी जरूर है कि ये जो इनकार है ये अच्छी बात नहीं है, पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता से संपत सिंह का इनकार किसान आंदोलन को लेकर पार्टी से मतभेद के तौर पर देखा जा सकता है, क्या ये अंतर विरोध के स्वर हैं? खैर, बीजेपी अपने नेताओं के बीच उठने वाले इन विरोधाभासी स्वरों को कैसे शांत करती है ये तो दिलचस्प होगा ही, लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन की बढ़ती आहट ने सियासत को बेचैन जरूर कर रखा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।